हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें कह रहा है राइट डाउन द मैट्रिसेस ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। दोस्तों, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को गिवन दी गई है। सर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें गिवन है, जो दी गई है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म जो अपनी क्यू है वो हम लिख लेते हैं। इसमें एक्स वन का स्क्वायर दे रखा है, माइनस के टू एक्स टू का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, और माइनस के थ्री एक्स थ्री का स्क्वायर दे रखा है, और प्लस के फोर एक्स वन एक्स टू दे रखा है, ठीक है। और प्लस में सिक्स एक्स वन एक्स थ्री दे रखा है, और माइनस के एट एक्स टू एक्स थ्री दे रखा है। हम दोस्तों इसकी क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमें करते हैं इसमें कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग करते हैं दोस्तों इस में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इससे। ए वन वन एक्स वन का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस के ए टू टू एक्स टू का स्क्वायर कर लेते हैं, और ए थ्री थ्री एक्स थ्री का स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस के टू ए वन टू तो एक्स वन और एक्स टू, और प्लस के टू ए वन थ्री तो करते हैं एक्स वन एक्स थ्री, प्लस के टू ए टू थ्री तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है। यहाँ हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, तो ए वन वन जो आया हमारे पास वन आ रहा है, ए टू टू जो हमारे पास आया वो माइनस का टू है, ए थ्री थ्री जो हमारे पास आया दोस्तों वो माइनस का थ्री है, यानी कि ए वन वन यानी कि दिस रिजल्ट और ये दिस रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ए वन टू निकालते हैं जो हमारे पास आ रहा है टू, ए वन थ्री निकालते हैं दोस्तों वो हमारे पास आ रहा है थ्री। अब दोस्तों ये है, जैसे ए वन टू, वन टू का मतलब कितना है, वन और टू मतलब एक्स की वे एक्स वन और एक्स टू वो जो है आपके पास फोर है। जब आप इस कोफिशेंट को इक्वल रखेंगे, यानी कि टू ए वन ए टू रखेंगे इजिकल टू में फोर होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए वन टू की वैल्यू टू, ठीक है। ऐसी वन थ्री की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने, एक्स वन एक्स थ्री की वैल्यू सिक्स दे रखी है, टू से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर थ्री। तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं अदर वैल्यूज़ को, यानी कि आप निकाल सकते हैं टू वन की वैल्यू को, तो टू वन वैल्यू ब्रो फ्रेंड्स हमारे वन और टू, टू और वन सेम सेम बनते हैं, ऐसे थ्री और वन भी आपके वन और थ्री के इक्वली बनेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है, हम जब यहाँ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती है। तो जैसे मैं टू और थ्री की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, टू थ्री यानी कि ये रहा माइनस का फोर हो जाएगा यहाँ दोस्तों हमारे पास। ऐसे ही थ्री और टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो इसका ही सेम बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो होती है मैट्रिक्स सिमेट्रिक आती है। चलिए, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने सब इसे कोफिशिएंट फाइंड कर लिए, तो अब हमें जो मैट्रिक्स बनानी होती है ना वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ठीक है, एक टू वन एक टू टू, इस तरीके से हम पूरी मैट्रिक्स को कंप्लीटली नोट कर लेते हैं। जो को वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए क्या वैल्यू आई है वन वन की, आपके पास आई है वन टू, ये वैल्यू आपके पास कितनी है टू है, वन थ्री की वैल्यू कितनी है आपके पास थ्री है, ठीक है। टू वन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो आपके पास टू है, डायगोनल्स में आपके पास आएगा माइनस टू, और ये वैल्यू कितनी है टू थ्री की, वो आपके पास है माइनस का फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका थ्री वन आएगा, थ्री और वन ये रहा आपका थ्री, और ये एलिमेंट्स आएगा आपके पास थ्री टू, तो आपके पास आएगा माइनस का फोर, और ये डायगोनल्स का मेंबर है थ्री थ्री वाला, वो आपके पास आएगा माइनस का थ्री। दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। दोस्तों मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।